कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर क्या फिल्म आदि पुरुष में प्रभास ने बोली है शुद्ध हिंदी? कितनी मेहनत करनी पड़ी प्रभास को हिंदी सीखने के लिए? फिल्म आदि पुरुष अपनी नई रिलीज डेट के साथ ऑडियंस के सामने अगले साल आने को तैयार है। हालांकि अभी फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन में है, लेकिन जल्दी ये काम भी पूरा हो जाएगा। वैसे आजकल फिल्म इंडस्ट्री में हमें एक नया रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिसमें फिल्म उसकी स्टोरी से पहचानी जाती है, ना कि फिल्म के एक्टर्स उसकी लैंग्वेज से। इसलिए तो मेकर्स भी पैन इंडिया फिल्म बनाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ताकि हर ऑडियंस उस फिल्म को देख सके। पैन इंडिया का नाम आते ही सबसे पहले प्रभास का ख्याल आता है, क्योंकि इन्हीं को पहला पैन इंडियन एक्टर कहा जाता है, जिन्होंने फिल्म बाहुबली से इस जर्नी की शुरुआत की थी। लेकिन हाल ही में जब प्रभास ने अपने इस सफर के बारे में जिक्र किया, तब लोगों को पता चला कि उनका यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। इस सफर में उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी लैंग्वेज, जिसके कारण उन्हें कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब पहले वो हिंदी बोलते थे तो ऑडियंस उनका मजाक बना देती थी, और फिल्म साहो में उनकी हिंदी को तो ट्रोल भी किया गया था। लेकिन बहुत मेहनत के बाद अब प्रभास अच्छी हिंदी बोलना सीख चुके हैं। फिल्म आदि पुरुष में तो उनकी हिंदी का इम्तिहान ही होगा, क्योंकि जो फिल्म रामायण पर बेस्ड हो उसमें तो शुद्ध हिंदी होगी ही ना। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म आदि पुरुष में प्रभास की शुद्ध हिंदी आपको इम्प्रेस कर सकती है। हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आगे फिल्म की बात करें तो फिलहाल आदि पुरुष पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है, और ओम रावत उन डायरेक्टर्स में से एक है जो अपनी फिल्म में बेहद परफेक्शन से काम करते हैं। फिल्म आदि पुरुष की पूरी टीम ने दिन रात फिल्म के लिए पसीना बहाया है। फिल्म के जरिए पहली बार शेफ और प्रभास साथ में काम करने वाले हैं। अब क्योंकि फिल्म रामायण पर बेस्ड है, तो मेकर्स दर्शकों को कुछ नया और अलग दिखाने वाले हैं। वैसे पहले फिल्म को इस साल 11 अगस्त को रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन मेकर्स फिल्म में कोई कमी नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भले ही थोड़ी देरी हो जाए रिलीज में, लेकिन फिल्म की क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अब अगले साल तक फैंस को इस फिल्म का करना होगा थोड़ा और इंतजार। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।